मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में विपक्षी नेताओं के संगठन गुपकार को देश की संप्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ की कुत्सित कोशिश करार दिया। गुपकार में कांग्रेसी नेताओं की सहभागिता को शर्मनाक बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ है। इसके नेता दिल्ली में कुछ और बोलते हैं और घाटी में कुछ और। देश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली राष्ट्रीय पार्टी का यह दोहरा चरित्र निंदनीय है। देश यह स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए पार्टी नेतृत्व को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेतृत्व से अनुच्छेद 370 के मसले पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सीएम योगी गुरुवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से मुखातिब थे। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को खंडित करने का प्रयास किया है। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्पों से यह सपना साकार हो रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं सुहा रहा है। शत्रु देश से मदद लेने की बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं से जुड़ना कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। संविधान की शपथ लेकर केंद्रीय मंत्री रहे पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आज़ाद जैसे कांग्रेसी नेता अनुच्छेद 370 की बहाली की बात करते रहे हैं। यह लोग हमेशा से ही अलगाववादी और आतंकवादी विचारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। सीएम योगी ने कहा कि गुपकार समझौता दरअसल देश की अखंडता को समाप्त करने की शरारतपूर्ण साजिश है। समझौते में शामिल लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में विकास हो, स्थानीय निकाय समृद्ध हो, वहां के लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों, उन्हें भी देश के अन्य हिस्सों की तरह बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उन अलगाववादी विचारों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा जिनको अपने हित में ये लोग लगातार खाद पानी देते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन कुत्सित प्रयासों को कतई सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मित्रों, जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का यह दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृहमंत्री अमित शाह जी का जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को सदैव समाप्त करने के करते हुए अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भी समाप्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। कश्मीर में धारा 370 जो न केवल देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण थी अभी तो जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधक थी
उस धारा 370 को हटाने के उपरांत जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो समझौता आपसी समझौता किया था, ये गुपकार कन्वेंशन कहलाता है और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद 370 की बहाली की बात करते हैं। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई है, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा उसका यह दोहरा चरित्र न केवल देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है, अपितु पूरी कांग्रेस पार्टी को ही कड़घरे में खड़ा कर रहा है। देश कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब मांगती है, इसका शीर्ष नेतृत्व तो अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि धारा 370 के बारे में कांग्रेस की क्या राय है, जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यही नेता आपस में एक दूसरे पर पहले आरोप लगाते थे और पहले लगातार इस बारे में कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लिए आने वाला पैसा वहां के राजनेता नकार जाते हैं, इनके बच्चे अपने आप विदेश में पढ़ते थे लेकिन वहां के विकास के लिए जाने वाले पैसे को ये लोग अपने फिजूल खर्ची में और अन्य कार्यों में खर्च कर लेते थे। पहली बार हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद जब जिला परिषद के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, इनके चुनाव और इनके गठन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को इन सबको जोड़ने का प्रयास हो रहा है और ये गुपकार समझौता इसी बोखलाहट का परिणाम है, क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी भी होगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, विकास के प्रति आवाज उठाएंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग विकास से न जुड़ सकें, इसके लिए आपस में एक नापाक गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बनाकर के उपकार समझौते के माध्यम से उन अलगाववादी तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही जिस प्रकार के खतरनाक बयान श्री फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी गुपकार समझौते में हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है और खासतौर पर तब जब हमारी सेना सीमा पर लड़ रही हो, जब हमारे बहादुर जवान, देश के बहादुर जवान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे, आतंकवाद के सफाई की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे हो, उन स्थितियों में भारत के आंतरिक मामले में भारत के दुश्मन देशों से मदद लेने की बात करना यह क्या साबित करता है। और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि गुपकार समझौता के साथ उनके नेताओं का जुड़ाव किस स्तर का है,
उनके साथ मिलकर के स्थानीय स्तर पर जो गठजोड़ किए जा रहे हैं या आखिर किस प्रकृति का है, और कांग्रेस नेतृत्व के इस बात को भी स्पष्ट करना होगा कि गुपकार समझौते की आड़ में राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ किए जा रहे इस खिलवाड़ को आखिर कांग्रेस का नेतृत्व कैसे बर्दाश्त कर रहा है। कांग्रेस पूरे कांग्रेस नेतृत्व को एक अलगरे में खड़ा करता है। जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध करने वाला, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थानीय स्तर पर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों में आखिर कांग्रेस क्यों बाधा करना चाहती है? एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए साकार होने के बाद आखिर उसमें बाधक बनकर के कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाहती है? यह देश यह प्रश्न कांग्रेस नेतृत्व से करना चाहता है और हम लोग इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आखिर गुपकार समझौता की आड़ में इस देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की शरारतपूर्ण चेष्टा को कांग्रेस पार्टी का समर्थन किन कारणों से मिल रहा है? चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कश्मीर में धारा 370 की बहाली के लिए आमंत्रित करने की मंशा क्या है, और इन बयानों से कांग्रेस का वास्ता किस हद तक है? स्थिति कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के अंदर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली पार्टी भारत के संविधान की शपथ खाकर के देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली पार्टी आज स्थानीय स्तर पर राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, और देश के दुश्मनों के दुस्साहस को बढ़ाने का जो दुस्साहसिक प्रयास कर रही है, इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार यह देश नहीं कर सकता है। और इसीलिए गुपकार समझौता यह भारत की संप्रभुता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ करने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास को अवरुद्ध करने वाला एक उचित प्रयास है। लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी के कारण जनता को विकास से न जुड़ने देने की जो एक उचित मंशा वहां पर रही है, उस मंशा पर जब पानी फिरते हुए वे लोग देख रहे हैं, उनके लूट खसोट के सभी जरिए जब बंद हो रहे हैं, उन स्थितियों में उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर विकास की प्रक्रिया जिला परिषद के माध्यम से या ग्राम पंचायत के माध्यम से या स्थानीय निकाय इकाइयों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचने लग जाएगा, तो जो लोग स्थानीय स्तर पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कनेक्टिविटी का, अन्य बुनियादी सुविधाओं को 70 वर्षों में नहीं दे पाए, लेकिन इस प्रक्रिया को पिछले 1.5-2 वर्षों के अंदर जिस मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने वहां पर इन परिषदों के माध्यम से, स्थानीय निकाय संस्थाओं, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषद के नए चुनाव के माध्यम से देने का प्रयास किया, करने का प्रयास कर रही है, तो ये सभी विरोध कि कहीं विकास की प्रक्रिया के साथ ये लोग न जुड़ जाएं, इस दृष्टि से इनके द्वारा इस शरारतपूर्ण चेष्टा करके राष्ट्र की संप्रभुता को भी चुनौती देने की कुत्सित मंशा इनके सामने आई है। और दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जो दिल्ली में अपने को राष्ट्रीय दल का स्टेटस मानता है, बोलता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वह अलगाववादियों के साथ और भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर के भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के साथ पूरी बेश्रमी के साथ वहां पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत खतरनाक इशारा करता है देश की जनता को। कांग्रेस के दोहरे चरित्र को देखना चाहिए, कांग्रेस नेतृत्व के
इस रवैये की निंदा भी करनी चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व से स्पष्ट पूछा जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी नीति को स्पष्ट करें। कोई अधिकार नहीं कांग्रेस के नेतृत्व को जो भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करें। कोई अधिकार नहीं उन्हें जो जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से और विकास से वंचित करें। आज जब केंद्र की सरकार इस कार्य को स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से लागू करने का प्रयास कर रही है तो कांग्रेस का हाथ उन अलगाववादियों के साथ वहां पर दिखाई दे रहा है। यह अत्यंत खतरनाक और शर्मनाक है। हम कांग्रेस नेतृत्व से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हैं और उनसे कहते हैं कि कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र यह देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और उनके नेताओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर जो बयानबाजी की गई है, जिस प्रकार से समझौते के साथ जुड़ करके एक बार कश्मीर को फिर से उग्रवाद की आग में झोंकने, आतंकवाद की आग में झोंकने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।